कि पब्लिक ये कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे इतनी बेशर्मी बढ़ गई है राम को ये लाए हैं इतने ज़्यादा बेशर्म हो गए हैं कि ये कह रहे हैं सोचिए कि ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं इनका कान पकड़ा और इनको राम टेक से निकाला सच्चाई सच्चाई बता निकाला चित्रकूट से निकाला अयोध्या से निकाला इनको जो जगह थी इनके पापों का घड़ा जब भर गया चूँकि देखिए आप रिव्यू कर दीजिए फिर डिमांड चली गई है कि आप अपने एजेंडा में से यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको हटा दीजिए फिर अभी नायडू जी साहब जो है मुस्लिम आरक्षण का उन्होंने आ, चार परसेंट का आत चुनाव लड़े हैं और ये लोग पूरा का पूरा चुनाव ही लड़े हैं कि मुसलमानों का आरक्षण ले लेना है जो भी पिछड़े मुस्लिम कास्ट के लोग हैं उनको आरक्षण तो गुजरात में मोदी जी की सरकार में भी मिलता है भी मिलता, मिलता, था है। लेकिन ये जो नफरत की राजनीति इन लोगों ने की है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और राम जी ने तो इनको सजा दे दी है जिस भगवान को डी ए बी कॉम बी एस सी एम एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नो से सॉल्व असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ ऐसी दाहिने सिवान आर एस जेम्स एंड ज्वेलर्स जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चले सिर्फ और सिर्फ आर एस जेम्स एंड ज्वेलर्स सबसे विश्वसनीय शॉप लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान, मोबाइल नंबर नाइन और सेवन 797986947... एम्स नई दिल्ली व सफदर जंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सिवान मोबाइल नंबर नाइन और सेवन नमस्कार ए टी एन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चर्चा एक नई डिबेट और चुनाव के बाद का समीक्षा को लेकर के आपके सामने बैठा हूं आपको बता दें कि इस बार जब लोकसभा चुनाव का ऐलान किया गया था तो पूरे देश की नज़र उस पर थी और ये जो ऐलान हुआ ये ऐतिहासिक ऐलान हुआ इस तरह से आज तक भारत में चुनाव नहीं हुआ था इतना लंबा चुनाव नहीं हुआ था आ, उसके बाद से ये चुनाव भी संपन्न हुआ जैसे तैसे जिस तरह से राजनीतिक दल अपनी अपनी बात को रखते गए मछली से शुरू हुआ और मुजरा तक जा कर के ये समाप्त हुआ लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव के पूर्व से ही एक सोची समझी रणनीति के तहत एक नारा दिया था अब की बार चार पार लेकिन चुनाव समाप्त होने तक आ, जब तक मतगणना नहीं हुई तब तक इस अब की बार 400 पार का नारा बिल्कुल सुर्खियों में रहा और सुर्खियों में इसलिए रहा कि जितने बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं उन्होंने बिल्कुल 400 पार कोई 410 कोई 412 कोई 405 इस तरह का वो बीजेपी के लिए वो सीटें सुरक्षित कर रहा था लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि जब एग्जिट पोल एक, एक तारीख को सातवें चरण का मतदान खत्म हुआ और उसके बाद से जैसे ही ये एग्जिट पोल आने शुरू हुए विपक्ष ने एक सिरे से इसे नकार दिया और कहा कि ये एग्जिट पोल प्रायोजित है यह एग्जिट पोल सरकारी एग्जिट पोल है यह एग्जिट पोल अमित शाह का बनाया हुआ एग्जिट पोल है जनता कुछ और जनता के जो मन में है वो आपको चार तारीख ईवीएम जब खुलेगा तब समझ में आएगा और कुछ हुआ भी ऐसे ही जब चार तारीख को मतगणना केंद्रों पे जब गिनती शुरू हुई तो दो राउंड तक तो नरेंद्र मोदी भी बनारस में पिछड़ते नजर आए और सबकी सबके कान खड़े हो गए कि अरे ये क्या हो रहा है पैंसठ हजार तक वोटों से नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा सीटें तो मिल गई लेकिन 400 पार का जो नारा था उसकी धज्जी उड़ गई 2019 में बीजेपी को दो 303 तीन सौ तीन सीटें आई थी ये बीजेपी की अपनी सीटें थी सहयोगियों की अलग से थी बीजेपी को पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें आई थी 303 लेकिन इस बार बीजेपी 242 पर जाकर के सिमट गई 242 243 इस पर जाकर के सिमट गई अब आज जो परिस्थिति बनी है आज जो नरेंद्र मोदी जिस तरह से 10 साल अपनी मनमानी किए नोटबंदी को लाद दिया किसानों के लिए जब वो आंदोलन में बैठे हुए थे अपनी मांग को लेकर के अपनी मांग, मांग मांग रहे थे रास्ते पर किले तक ठुकवा दी गई और बहुत सारे चीज है जिसको आपने देखा कि जब राम मंदिर भी बन रहा था राम मंदिर पर भी सवाल खड़े हो गए और शंकराचार्य ने तो ये भी कहा कि जब तक मंदिर का पुल मंदिर पूरी तरह से न जा, बन जाए बन जाए तब तक उसकी उसमें स्थापना नहीं की जा सकती लेकिन नरेंद्र मोदी कहाँ मानने वाले थे उन्होंने अपनी मनमानी करने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं की और वो लगातार अपनी मनमानी करते रहे अब सवाल उठता है कि जिस तरह से नई सरकार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे इसमें कहीं शक नहीं है लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की जो मनमानी है अब उस पर उस हिटलर शाही पे क्या अब रोक लगेगी हम इसी सवाल को लेकर के अभी सिवान के डॉक्टर के एहतसाम साहब के पास हम बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के लीडर भी हैं और एक अच्छे डॉक्टर भी हैं और साथ में समाज सेवी भी हैं सबसे पहले हम इस चर्चा में डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूं डॉक्टर साहब मुस्लिम समाज से आते हैं लेकिन आप मेरे पीछे इनके ये देख लीजिए कि ये डॉक्टर साहब ने जो अच्छे कार्य किए हैं उन्हें पुरस्कार दिया गया है ये सारे मोमेंटो यहाँ पे रखा हुआ है लेकिन उसी मोमेंटो के बीच में जब हम आज यहाँ पे पहुँचे और देखा भगवान राम वो राम दरबार जो हिंदुओं के हर घर में पाया जाता है लेकिन आज ये सिवान के हमारे डॉक्टर डॉक्टर के एहतजाम साहब हैं इनके क्लिनिक में इस राम दरबार को देखकर ऐसा लगा कि वाकई भगवान राम सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं थे वो सबके थे जिस तरह से आज समाज में जहर बोने का काम किया गया है हमारा समाज कभी ऐसा नहीं रहा है और ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है मौलाना मजरुलक की कर्मभूमि है और ये तस्वीर देख करके आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि राम सबके हैं और सब राम के हैं तो चलिए अब उस चर्चा पे हम आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब आज हमारा सवाल सबसे पहला सवाल यही होगा कि नरेंद्र मोदी जो 10 साल ये तीसरी बार आ, वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं हो सकता है कि 8 तारीख को वो शपथ ग्रहण भी हो जाए लेकिन जिस तरीके का ये एग्जिट पोल दिखा रहा था कि तीन 400 सौ पार 415, 412 आ, और जब एग्जिट पोल के बाद जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी भी बिल्कुल 240 पे 42 पे सिमट गई क्या लगता है कि बीजेपी भी की नरेंद्र मोदी की आ, जो धमक थी वह अब समाप्त होने के कारण देखिए मोदी जी तो समाप्त हो ही गए हैं क्योंकि उनका एक पुराना नारा था आपकी बार मोदी सरकार तो मोदी सरकार तो समाप्त हो गई चूँकि इस इस बार है एन सरकार अब खुद अब जब बीजेपी हेड क्वार्टर में गिनती के बाद शाम को जब प्रधानमंत्री महोदय पहुँचे थे तो उनके जबान से एक बार भी आपकी बार भाजपा सरकार ने नहीं, नहीं निकला आपकी बार केवल एन सरकार एन सरकार एन सरकार बोलते रहे और देखिए वो जो एग्ज़िट पोल की आप बात कर रहे हैं वो एग्ज़िट पोल एक्चुअली वो मोदी मीडिया पोल था चूँकि राहुल जी ने भी बताया कि वो मोदी मीडिया पोल था दरअसल वो प्रधानमंत्री महोदय ने अंतिम समय समय भी अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने का जो वो दस साल से काम करते रहे शेयर मार्केट का आ, हमारे मित्र कैसे फ़ायदा उठा लें तो एग्जिट पोल आया और आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट ने भयंकर लोगों लो, लो ने पैसा कमाया उससे उनके मित्रों को काफ़ी फ़ायदा हुआ तो ये जाते जाते भी सोचा इन्होंने कि हमारे मित्र यहाँ से भी कुछ निकाल लें चूँकि ये इस देश के अवाम को स्पष्ट रूप से जब पता चल गया कि ये मित्रों के लिए काम करने वाली सरकार है ये कहते तो थे कि ये स्वर्ण काल है लेकिन दरअसल ये मित्र काल था दरअसल ये जिसको आज़ादी का अमृत काल बता रहे थे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये भारत में एक मित्र काल के तौर पर याद किया जाएगा जहाँ पर कि केवल और केवल भारत की सरकार वोट तो आवाम से लेती है लेकिन कुछ मित्रों को ही ध्यान में रख कर के पॉलिसी बनाती है और निश्चित रूप से ये उस मित्र काल की समाप्ति है ये उस मित्र काल का अवसान हो गया है और मोदी सरकार का अंतिम संस्कार हो गया है मोदी सरकार लगता है डॉक्टर साहब कि अब जो समय आने वाला है आठ तारीख को हो सकता है कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करें उसके बाद एक नई कैबिनेट का विस्तार हो और जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं कि लगातार ये दिखाया जा रहा है कि टीडीपी जो एक मुख्य पार्टी है और नीतीश जी ये दोनों किंग मेकर बने हुए हैं और इनके तरफ से दोनों की तरफ से अच्छे अच्छे मंत्रालय की डिमांड आ रही है रेल मंत्र नीतीश जी ने रेल मंत्रालय से लेकर के कृषि मंत्रालय और भी कुछ मंत्रालयों के साथ ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मांग लिया है और टीडीपी ने तो बहुत कुछ मांगा है कि भाई लोकसभा स्पीकर उनका होना चाहिए और फिर कई मंत्रालय भी उनके उनका डिमांड है तो कुल मिला के और एक मुख्य डिमांड ये भी है कि इस कैबिनेट में अमित शाह ये भीतर की खबर है इस कैबिनेट में अमित शाह को गृह मंत्री पद से हटाया जाए तो कुल मिला के अब क्या लगता है कि मोदी जी का जो जलवा था मोदी जी का जो मनमानीपन था वो समाप्त हो जाएगा और वैसे आपने कहा कि ये मोदी सरकार नहीं है ये एनडीए सरकार है तो क्या उस उनकी मनमानी पे अब ब्रेक लगने वाला है देखिए ब्रेक तो लग गया है चूँकि आपने देखा होगा जो तस्वीरें शेयर की गईं भाजपा के हैंडल से मोदी जी के हैंडल से उस तस्वीर में आपने खुद देखा होगा कि अमित शाह अंतिम लाइन जो कतार जो खड़ी थी दाहिनी तरफ मोदी जी के बाएं तरफ एक नंबर पर नायडू साहब थे दो नंबर पर नीतीश जी थे और इस तरह से गठबंधन के लोग थे दाहिनी तरफ नड्डा साहब थे फिर कोई और साहब थे फिर कोई और साहब थे फिर अमित शाह साहब थे तो अमित शाह साहब को तो उसी दिन किनारे लगा दिया गया उनका ठिकाना तो पहले दिन जिस दिन एनडीए की बैठक थी जिस दिन फोटो शेयर हुआ तो राजनीति में तो एक एक चीज़ का माने होता है ना। जिसने भी उस तस्वीर को देखा उसने ट्वीट यही किया कि अमित शाह को तो ठिकाने लगा दिया गया अब तो सिर्फ प्रक्रिया और नतीजे जो आने हैं बस उसका वेट वाच कर रहे हैं हम लोग ऐसा इसलिए भी है कि आपको याद होना चाहिए कि 2019 में गृह मंत्रालय के ही अधीन ईडी काम करती है और नायडू को गिरफ्तार करके जेल भाई भेजने का काम महोदय ने किया था तो निश्चित रूप से वहाँ तो पर्सनल दिक्कत है तो क्या लगता है डॉक्टर साहब कि अब देश में जिस तरीके से ईडी सीबीआई और भी जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही थी अब इनमें भी बदलाव आएगा और इनमें भी बदलाव नहीं वो बहुत बड़ा बदलाव आएगा कुछ नया देखने को मिलेगा देश में देखिए ईडी का काम थोड़ी था यहाँ इस देश में ईडी को दो तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था हफ्ता वसूली गैंग पहला काम था हफ्ता वसूली गैंग इलेक्ट्रल बॉन्ड की नहीं हफ्ता वसूली गैंग में धमकाने के लिए ईडी जाती थी का। तो ईडी तो का एक इस्तेमाल तो हफ्ता वसूली गैंग के तौर पर इस सरकार ने किया डराने के लिए इस सरकार ने किया तो निश्चित रूप से ईडी के भी पदाधिकारी जो थे वो भी बड़ा परेशान थे इस हुकूमत से कि हमको किस काम के लिए लाया गया और सरकार भी हमसे क्या करवा रही है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन पदाधिकारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी इस सरकार में अब ये थोड़ा सा अब ये लोग भी छुट्टी उट्टी मनाने जा सकते हैं कश्मीर वश्मीर गर्मी बहुत ज़्यादा है स्विट्ज़रलैंड जब भाई उन लोग तो बड़े पदाधिकारी हैं हमको पूरी उम्मीद है कि ई वाले बड़े खुश होंगे कि चलो अच्छा हुआ अब हमें लंबी छुट्टी अब पहले तो उनको छुट्टी भी नहीं मिलती थी ई वालों को तो निश्चित रूप से देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है अवाम की जीत हुई है गरीब गुरबों की जीत हुई है मजदूरों की जीत हुई है किसानों की जीत हुई है और इस सरकार के जो अकड़ थे उस अकड़ को उस दम्भ को उस अहंकार को आवाम के ताकत ने अपने मत के अधिकार के द्वारा जिस तरह से ध्वस्त किया है वो अपने आप में मैं बता रहा हूँ ये चुनाव भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट का चुनाव है ऐतिहासिक चुनाव है इसलिए कि ये जो चुनाव है पहले इस चुनाव का नतीजा क्या हुआ कि मोदी काल समाप्त हो गया नहीं। 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 आप आप एक चीज़ बताइए कि तब आगे क्या होगा आगे क्या न, जो नरेंद्र मोदी हैं और जिस तरह से टीडीपी और नीतीश कुमार के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है टीडीपी भी कभी बीजे भारतीय जनता पार्टी के साथ वाजपेयी जी के साथ संयोजक का संयोजक पद पर रह चुकी थी लेकिन उसके बाद भी उसने अपना रुख दिखाया था क्या नरेंद्र मोदी एक सवाल और उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी अगले पाँच साल वो इस देश की सत्ता बेझिझक टोक बे वो चला पाएंगे पाँच साल, पाँच साल अभी बन पाँच साल कहाँ सरकार चलने वाली एक आख साल चल जाए तो गनीमत है ये सरकार चलेगी कहाँ ये तो निश्चित रूप से सरकार गिरना है चूँकि इतना अंतरद्वंद्व है चंद्र बाबू नायडू का अगर आप भाषण सुनिए 2019 वाला उसमें तो नरेंद्र मोदी जी को आतंकवादी बोल रहे हैं अगर उस वीडियो को आप निकाल कर चलाइए तो आप देखिए वो तो उग्रवादी आतंकवादी बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं अभी उसके बाद आंध्र प्रदेश में तो उनको वो एक फिल्म आई थी बाहुबली तो उसमें भल्ला जो उसका करैक्टर है उससे उनकी तुलना करते हैं धोखेबाजी के अलामत के तौर पर कि ये धोखेबाज आदमी है तो ये तो बड़ा ही अंतरद्वंद्व वाला मामला है अब क्या है कि एक सिचुएशन है फेस सेविंग एक्ट कि हम हारे नहीं हैं देखिए दरअसल ये जनादेश खिलाफ है इनके मोदी सरकार तो समाप्त हो गई है मोदी काल का समापन हो चुका है और ये जो तीसरा काल जो ये कह रहे हैं मोदी 3.0 बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये मोदी 3.0 नहीं है ये एन डी ए वन है ये एन डी ए वन शुरू हो रहा है जो कि इनके रिजीम में है और ये इस एन डी ए वन के अंदर समस्या अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि आठ तारीख को जो आप शपथ ग्रहण कह रहे थे वो आठ को अब नहीं होने जा रहा है वो नौ को होगा या फिर उसको आगे पीछे करने की बात अभी की जा रही है क्योंकि पहले ही नीतीश जी के यहाँ से डिमांड चली गई है कि अग्निवीर की जो स्कीम है इसको आप रिव्यू कर दीजिए फिर डिमांड चली गई है कि आप अपने एजेंडा में से यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको हटा दीजिए फिर अभी नायडू जी साहब जो है मुस्लिम आरक्षण का उन्होंने आ, चार का आंध्र प्रदेश में उस ग्राउंड पर वो चुनाव लड़े हैं और ये लोग पूरा का पूरा चुनाव ही लड़े हैं कि मुसलमानों का आरक्षण ले लेना है जो भी पिछड़े मुस्लिम कास्ट के लोग हैं उनको आरक्षण तो गुजरात में मोदी जी की सरकार में भी मिलता है मिलता था अभी भी मिलता है लेकिन ये जो नफरत की राजनीति इन लोगों ने की है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और राम जी ने तो इनको सज़ा दे दी है जिस भगवान को ये बेशर्म लोग इनको आप बेशर्म नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे अभी तीन चार दिन पहले मैं किसी डिबेट में था तो हमारे एक भाजपा के मित्र कह रहे थे कि पब्लिक ये कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे इतनी बेशर्मी बढ़ गई है राम को ये लाए हैं इतने ज़्यादा बेशर्म हो गए हैं कि ये कह रहे हैं सोचिए कि ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं तो राम जी ने इनका कान पकड़ा और इनको राम टेक से निकाला सच्चाई सच्चाई बता निकाला चित्रकूट से निकाला अयोध्या से, से निकाला इनको जो जगह थी इनके पापों का घड़ा जब भर गया चूंकि देखिए गेट रेडी टू एक्सपीरियंस स्कूल दैट विल नॉट ओनली टीच योर चाइल्ड बट विल ऑल्सो इंस्पायर देम टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेव इन प्रोवाइडिंग एन एजुकेशनल जर्नी दैट बहुत फन एंड चैलेंजिंग एक्सपीरियंस दैजिक ऑफ लर्निंग don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility admission open registered today Don Bosco High School Bharat <laughs> इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ पपौर तरवारा रोड सिवान आईटीआई के साथ साथ आई करें अच्छे मार्क्स के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब वाईफाई कंप्यूटर क्लासेज स्पोकन क्लासेज छात्रवृत्ति जिम लाइब्रेरी बैग ड्रेस आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री एक बार पेमेंट करने आरोप पच्चीस की छूट सीट ने कहीं यह मौका छूट न जाए पलक बुद्धा आई टी आई तरवारा रोड सिवान डायरेक्टर मुन्ना तिवारी कॉल करे एट वन जीरो टू जीरो नाइन वन फाइव एट सेवन नाइन नाइन फाइव फाइव नाइन एट टू एट 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 वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट पलक बुद्धा आई टी आई डॉट कॉम प्लस पब्लिक स्कूल सी बी एस ई कैरिकुलम कक्षा नर्सरी ऐसी आठवीं तक लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला सवार इकतीस मार्च तक निःशुल्क नामांकन टीम ऑफ एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स ऑल कैंपस सीसीटीवी कैमरा कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल म्यूजिक पेंटिंग योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस जल्द ही नामांकन कराए प्लस पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक शिवान कॉल करें नाइन फोर थ्री जीरो टू जीरो सिक्स सिक्स टू फाइव सिक्स टू जीरो वन एट नाइन फोर सिक्स एट सिक्स डायरेक्टर रंजना दुबे मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक अब आपके शहर सीवान में सप्तरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर एम डी जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एम बी बी एस डी एन बी जनरल सर्जरी दिल्ली लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है हर तरह का ऑपरेशन सफलता पूर्वक किया जाता है लखीचंद हॉस्पिटल डॉक्टर्स कॉलोनी चौक बढ़हरिया रोड सिवान पेट छाती मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजीशियन शांति हॉस्पिटल बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर चकिया रोड यदुवंशी नगर सिवान शांति हॉस्पिटल में आईसीयू ईसीजी मॉनिटर नेबुलाइजर इन्फ्यूजन पंप ऑक्सीजन की व्यवस्था डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध चकिया रोड कॉल करें एट सेवन फाइव सेवन थ्री जीरो नाइन सिक्स एट जीरो नाइन वन सिक्स टू सिक्स सेवन थ्री सिक्स वन एट राम के पुजारी होना और राम के व्यापारी होना ये अपने आप में बहुत विरोधाभासी चीज है और बीजेपी हमेशा से राम की व्यापारी रही है क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि जो बीजेपी जब अभी उनके हेडक्वार्टर में मोदी जी ने जय श्री राम के जगह जय जगन्नाथ का नारा लगाया जबकि इसके पहले मोदी जी या बीजेपी के हर कार्यक्रम में जय श्री राम का ही नारा लगाया जाता था तो कहीं ना कहीं आप व्यापारी का जो इनका चरित्र है वो उस जय जगन्नाथ के नारे में भी परिलक्षित होता है क्यों इसलिए कि उड़ीसा में अभी नई नई सरकार बनी है अभी बिजनेस मार्केट वहाँ आगे बढ़ाना है वहाँ का व्यापार आगे बढ़ाना है वहाँ का कारोबार आगे बढ़ाना है तो इस कारोबारी नियति को राम जी ने इनको जो समझा और जिस तरीके से इन लोगों ने कह सकते आप कि एक आ, प्रकाष्ठा बच इन्होंने धार्मिक उन्माद और राम जी के नाम पर जो नफ़रत का एक बाजार पूरे देश में फैलाया था खास करके प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे कमाल की बात है कि बासवाड़ा राजस्थान में जहाँ पर कि इन्होंने मुसलमानों को पूरे देश के मुसलमानों को घुसपैठिया कह दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है इनकी बेशर्मी की इंतहा को न्यूयॉर्क टाइम्स और पूरी विदेशी मीडिया ने छापा कि अपने देश के लगभग 25 करोड़ लोगों को इन्होंने घुसपैठिया कह दिया और इस देश का इस देश का लोकतंत्र में बताना चाह रहा था कि वहाँ बांसवाड़ा में भाजपा हार गई मैं ये कहना चाह रहा था कि इस देश की जमहूरियत इसके डी में राम है और राम के लिए अलामा इकबाल कहते हैं कि हैराम के नाम पे हिन्दोस्ता को नाज हैराम के नाम पे हिन्दोस्ता को नाज अहले नज़र समझते हैं इनको इमाम हिंद तो इकबाल जब राम के बारे में ये लिखते हैं कि अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद तो जो हिंद का सरदार जो मुसलमान होके जो राम को हिंद का सरदार बताता है कि इस इलाके का कुछ है रोल मॉडल आदर्श तो राम है उस राम के नाम पर मुसलमानों को गाली देने का काम जब इन्होंने बसवाड़ा में किया तो इस देश का सेकुलर मिजाज सलाम करता हूं मैं इस देश के उस धर्मनिरपेक्षता के डीएनए को कि राजस्थान के बसवाड़ा में हारे और राजस्थान में बुरी तरह से राजस्थान में जहाँ जहाँ घूम घूम करके इन्होंने भाषण दिया वहाँ वहाँ ये हारे हैं तो इस देश ने सिखाया है कि ये देश मिलजुल कर रहने वाला देश है चूँकि जब जु, जुल्म तो जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है जुल्म तो जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है खून तो खून है टपकेगा तो जम जाएगा तो किसानों के खून टपकाए हैं इस सरकार ने हज़ारों किसान रोड पर खड़े थे आंदोलन कर रहे थे कीले ठोंकी हैं सड़कों पर उनके लहू बहाए हैं इस टेनी ने इस टेनी को सज़ा दी है किसानों ने जो अजय मिश्रा टेनी के लिए आपको याद है ये भाषण देने क्या गए थे हमारे महोदय अमित शाह जी आप टेनी को जिता दीजिए मैं वादा करता हूँ कि इसको मैं बड़ा आदमी बना दूँगा इनाम किस बात का कि ये अपनी जीप लेकर के दस दस किसानों के छाती पर चढ़ गए तो ये अमित शाह जा करके कह रहे हैं कि इसको तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन आज हम जिस मुद्दे को लेकर के डॉक्टर साहब के पास बैठे हुए थे वो मुद्दा ये था क्योंकि कांग्रेस की ये भी लीडर हैं पूरे चुनाव में इन्होंने महाराजगंज में एक अच्छा कैंपेनिंग किया हुआ था जिस सवाल पर हम आज इनके पास आए थे और उस सवाल पे भी उन्होंने बड़ी सिद्धत के साथ जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब नहीं है ये जो नई सरकार जो बनेगी ये एन की सरकार बनेगी और इसका आगे चल के क्या हस होगा ये अभी कुछ भी कहना नामुमकिन है और देखना है कि मोदी जी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं जिस मनमानी के लिए जाने जाते हैं जिस आ, एजेंडे के लिए वो जाने जाते हैं क्या वो एजेंडा अब बदलेगा क्या इनकी मनमानियों पे ब्रेक लगेगा ये इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा और जब ये नई कैबिनेट बनेगी तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है